फरीज हज का रुकन आजम वकूफ़ अरफा आज 10 लाख से ज़ायद आज़मीन हज मैदान अरफात में है जमा। वकूफ़ अरफा की अदायगी के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंज़ो एबे पर कातिलाना हमला, सीने पर मारी गई गोली, हमलावर को कर लिया गया गिरफ्तार। शिंज़ो एबे की हालत इंतहाई नाजुक, हमले की वजह फिलहाल सामने नहीं आ सकी। बरतानवी सियासी बहरान के दरमियान बोरिस जॉनसन के वज़ीर आज़म के ओहदे के बाद अपनी टूरी पार्टी की क़यादत से भी उन्होंने दिया इस्तीफ़ा। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक जारी रखेंगे काम। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत को अदालत से झटका, स्लॉटर हाउस पर लगी पाबंदी हटाई। ईद के मौके पर हरिद्वार में स्लॉटर हाउस में कुर्बानी देने की उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दे दी इजाजत। नूपुर शर्मा के बाद एक और बीजेपी लीडर की जानिब से इस्लाम की तौहीन का सामने आया मामला। 2017 में हरियाणा बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने किया था इस्लाम मुखालिफ ट्वीट, बीजेपी ने अब पार्टी से निकाला। और फैक्ट चेकर और सहाफी मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी पूरी जमानत, ताहम दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही रहना होगा। ट्वीट करने और दिल्ली छोड़कर जाने पर लगाई पाबंदी।